फूड डज इट कम फ्रॉम फूड कहाँ से आ रहा है इसमें ब्लैंक्स हैं टाइगर जो है कार्नी कार्नी का मतलब ये है कि वो सिर्फ मीट खाता है वेजिटेरियन नहीं है वो कार्नी का मतलब ये है वो सिर्फ मीट खाता है ईट ओनली मीट टाइगर जो डियर है वो हर बाईस हर बाईस का मतलब ये कि ये पेड़ पौधे प्लान ये सब चीज़ें खाता है हर बाई वस मीट नहीं खाते कार्निवोर घास वास ये घास वास नहीं खाते और हर बाई वोर्स मीट नहीं खाते तो कार्नीवोर्स वो हैं जो मीट खाते हैं वो एनिमल्स और हर बाईर वो एनिमल्स हैं जो कि घास प्लांट ये सब चीज़ें खाते हैं पैरट ईट ओनली प्लांट द मिल्क मिल्क इसमें फिलिंग ड्रिंक कहाँ सा आ रहा है मिल्क कम से कम द कालो गोट ये एनिमल प्रोडक्ट है मिल्क एनिमल प्रोडक्ट कार्नीवोर्स वो एनिमल है जो मीट खाते हैं मांसाहारी हरबाइवोरस वो एनिमल है जो सिर्फ पेड़ पौधे ये सब चीज़ें खाते हैं वो शाकाहारी हैं और इंसान ओमनीस है मतलब सब कुछ खाता है मिल्क जो है एनिमल प्रोडक्ट है वी गेट शुगर हम शुगर हमें शुगर कहाँ से मिलती है शुगर चीनी मतलब ये है शुगर से यहाँ शुगर कैन से मिलती है मतलब गन्ने से मिलती है शुगर सुक्रोज का है? सुगर, है, सुगर में है शुगर में है शुगर कैन में हरबाइवोर्स कानीवर्स और उनिवर्स को डिफर अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो हर वोर्स एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट हर वोर्स वो हैं जो प्लांट को खाते हैं एंड प्लांट प्रोडक्ट जैसे कि ये शाकाहारी हैं ये मीट वीट नहीं खाते जैसे का एलिफेंट विफल गोट तो हरबाई बोर्स याद कर लेना वो है, एनिमल हैं जो विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट ठीक है कार्निवरस एनिमल्स विच ईट ओ अदर एनिमल्स, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं मीट का मतलब ये दूसरे एनिमल्स हैं तो एनिमल जो कारनीवरस हैं वो अदर एनिमल्स को खाते हैं जैसे कि लाइन एंडार्ड है, है। ओमनीवरस वो हैं जो मीट भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं जैसे कि ह्यूमन ओमनीवोरस एनिमल्स विच ईट बहुत प्लाट एंड एनिमल्स प्लांट प्लान्टो खाएंगे और एनिमल को भी खाएँगे तो ये है ओमनीवोरस जैसे कि ह्यूमन एंड डॉग इस कैटेगरी में आते हैं तो हर बायोर्स शाकाहारी हैं कार्निवोरस मांसाहारी हैं और ओमनीवोरस सर्वाहारी हैं हर बाईरस प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाएंगे कार्निवोरस दूसरे दूसरे एनिमल को खाएंगे मतलब मीट खाएंगे कार्निवोरस खाएंगे मीट ओमनीवोरस खाएंगे दोनों को मतलब प्लांट भी और एनिमल भी ये है मैचिंग मिल्क कार्ड, दही पनीर घी की ये क्या है एनिमल प्रोडक्ट है पूछा जाता है एनिमल प्रोडक्ट के एग्जाम्पल बताओ तो मिल्क कार्ड, दूध दही पनीर घी ये सारे एग्जाम्पल हैं एनिमल प्रोडक्ट के स्पाइन कॉलीफ्लावर ये क्या वेजिटेबल्स हैं लायन एंड टाइगर ये दूसरे एनिमल को खाते हैं ईट अदर एनि एनिमल्स और हर बाईस खाते हैं प्लांट एंड प्लांट, प्लांट प्रोडक्ट हरबाई प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट मिल्क काड़ पनीर घी ये एनिमल प्रोडक्ट है एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं जो मीट और दूसरे एनिमल को खाते हैं मीट या दूसरा एनिमल को खाते हैं वो होंगे कार्निवरस जो प्लांट और प्लांट, प्लांट प्रोडक्ट को खाने वाले ये दो एनिमल्स हो गए हरबाइवरस और जो सब कुछ खाते हो गए ऑमिवर्स ऑवनिवर्स की कैटेगरी में है कुत्ता और इंसान सुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट है सुगर केन और सुगर बीट ठीक है मशरूम जो है नॉन ग्रीन प्लांट है जो हम खाते हैं दैट वी ईट सुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट सुगर केन एंड सुगर बीट मशरूम जो है नॉन ग्रीन प्लांट है प्लांट दैट ग्रो इन वाटर एंड ईट इन एज फूड लोटस लोटस वो है जिसका इस टाइम खाया जाता है और वाटर में ग्रो करता है थ्री प्रोडक्ट तीन प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाय प्लांट एंड एनिमल तो प्लांट से तो मिलते हैं अनाज वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्रूट वेजिटेबल्स और ग्रेन्स सब मिलते हैं किससे प्लांट से एनिमल से क्या मिलता है दूध दही पनीर मतलब जो उनका प्रोडक्ट है जो दूध है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं उसके प्रोडक्ट हो गए एनिमल प्रोडक्ट तो मिल्क कर्ड घी प्लांट प्रोडक्ट हो गए फ्रूट वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स ग्रेन्स प्लांट्स और वन सोर्स ऑफ आवर फूड प्लांट हमारे लिए फूड का काम करते हैं वी ईट मैनी लिफ वेजिटेबल्स वो सब क्या है प्लांट है वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सम टाइम रूट खाते हैं किसी के किसी का खाते हैं इस टाइम किसी का खाते, हैं किसी के खाते हैं फ्लावर तो हमारा खाना तो इससे मिल जाता है सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल पार्ट मतलब ऐसा नहीं किसी का हम रूट खा रहे हैं किसी का इस टाइम खा रहे हैं ऐसा ही हो सकता है जिसका रूट खा रहे हैं उसका इसका ही इस टाइम खा रहे हैं तो एक प्लांट के हम कई पार्ट भी यूज़ करते खाने में जैसे कि मस्टर्ड का सीड है सरसों का बीज है तो उससे सरसों का तेल भी यूज हो रहा है उसके पत्ते भी यूज़ हो रहे हैं वेजिटेबल्स के फॉर्म में तो एक ही पार्ट प्लांट के कई पार्ट भी खाने में यूज होते हैं स्प्राउट क्या है ये स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर है जो मे हैव ग्रो आउट होता है सीड जब सीड को अगर उसमें पानी में भिगो हो देंगे तो उसमें जो एक ग्रोथ हो जाती है ना वाइट कलर का वो बन जाता है फिर स्प्राउट स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे है सीड्स वैन वी पुट सीड्स ऑफ मूंग और चना इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एक कंटेनर मतलब कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें हमने ये कोई भी जैसे चना ले लिया इसे भुग दिया तो अगले दिन तक उसमें वाइट कलर की और चीज़ें निकल कर जाएंगे तो उसे कहेंगे प्योर बन जाएंगे स्प्राउट थ्री एडेबल पार्ट ऑफ प्लांट रूट फ्लावर रूट फ्रूट लीव ये प्लांट के वो पार्ट है जो किसी को रूट खाते हैं किसी का फ्रूट खाते हैं किसी का लीव खाते हैं प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड प्लांट फ्लांट फ्लांट सोर्स है फूड का जब सोर्स मतलब जिससे हमें फूड मिल रहा है फूड इन्ग्रीडिएट लाइक प्लांट से क्या मिल रहा है ग्रीनस मिल रहा है जैसे कि वीट क्या हुआ है वीट राइस ये प्लांट से ग्रेन मिल रहा है सीरियल्स मतलब दालें मिल रही हैं वेजिटेबल्स मिल रहे हैं फ्रूट्स मिल रहे हैं सब मिल रहे हैं किससे प्लांट से एनिमल से? से, 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 से क्या मिल रहा है एनिमल से मिल रहा है मिल्क और मिल्क से बनते मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दही पनीर चीज़ और एनिमल से क्या मिल रहा है एग मिल्क और एग अब अच्छे सोर्स हैं किसके प्रोटीन के काओ बफेलो ये सब कॉमन एनिमल है बिच की बस मिल्क ये मिल्क दे रहे हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट कौन कौन हैं जैसे कि बटर है क्रीम चीज़ कर्ड ये पूरी दुनिया में यूज हो रही है सब चीज़ें हनी हनी मतलब शहद तो ये बी कलेक्ट करते हैं नेक्टर मतलब स्वीट जूस ऑफ़ फ्रॉम द फ्लावर फ्लावर से नेक्टर बी कलेक्ट करते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं हनी में और इसे स्टोर कर लेते हैं अपने हाई है में प्रिपरेशन ऑफ हनी कैसे होता है जो नेक्टर है फ्लावर में उसे हनी भी कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं अपने छत्ते में फिर हनी को एक्सट्रैक्ट उनके छत्ते से हनी शहद निकाले जाता है वो तो स्टोर करते हैं कि पूरे इस टाइम पे तो फ्लावर रहेंगे नहीं साल के उस टाइम पे फ्लावर आते हैं वो तो अपने लिए स्टोर करते हैं और इंसान उनका जो स्टोर किया गया फूड उसे निकाल लेते हैं शहद को तो हम जो बीज हैं हनी बीज और वहाँ ने उन्होंने अपना फ्लावर के नेक्टर से फ्लावर से नेक्टर लिया उसे हनी उस हनी में कन्वर्ट किया और स्टोर कर लिया अपना फूड स्टोर कर लिया और उनका फूड हम ले रहे हैं घी कैसे बनता है काओ है काओ मिल्क दे रही है उसे मिल्क से हम क्रीम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसे बटर बना रहे हैं बटर को बॉयल करके घी बना रहे हैं फाइव प्लांट और देर पार्ट जैसे कि मस्टर्ड प्लांट है उसके हम कौन से पार्टी यूज़ करें मस्टर्ड का सीड भी यूज़ हो रहा है मस्टर्ड ऑयल बनाने में और लीव्स भी यूज़ हो रही हैं वीट गेहूँ उसका सीड यूज़ उस हो रहा है पैडी का सीड यूज़ हो रहा है ब्रिंजल जो प्लांट है वो उसका फ्रूट यूज़ उस हो रहा है पोटैटो जो प्लांट है जो आलू है वो इस टाइम है ठीक है तो पोटैटो का इस टाइम यूज़ हो रहा है इस टाइम है वो पोटैटो फ्लावर पम्पकिन का फ्लावर यूज़ हो रहा है एनिमल प्रोडक्ट तो दूध दही घी पनीर है ये वेजिटेबल कैरेट इस बने ये हैं लायन एंड टाइगर वो दूसरे एनिमल को खाते हैं तो इसलिए इन्हें कहते हैं कार्निवोर्स हरबाई क्या करते हैं ये ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट हरबाई